आई हैं? मोहरीपुर से, मोहरीपुर कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर से कितने दिन पहले आए थे आप? जैसे तीसरी बार है हमको वहाँ। कितने साल पहले आए थे या कितने महीने? अरे 2 महीना लगभग। 2 महीना पहले। तो क्या परेशानी होती थी आपको? पूरा शरीर में दर्द होता था। तो डॉक्टर वॉक्टर को? डॉक्टर से बहुत दिखाए, दवा वगैरह, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। फिर आपने बाबी बाबाओं को दिखाया? हाँ दिखाए। कितने बाबी बाबाओं? बहुत दिखाए, मतलब फिर भी संख्या जितने लोग बताए उतना ही हम गए, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। कहीं ठीक नहीं हुआ? नहीं। फिर यहाँ का पता आपको कैसे मिला? यहाँ का पता मेरे मौसी के लड़के बताए थे। मौसी का लड़की बताए? फिर वीडियो देखा आपने? लड़के बताए थे तो वही एक बार लिवा कर आए, दिखाए, तब से हम अपना अकेले आते हैं। आज कई महीने बाद यहाँ आई हैं? वही 2 महीने। 2 महीने बाद लगभग यहाँ आई हैं। आज आपने फिर चेक कराया, आपके ऊपर एक भूत निकला। तो जैसे कि 100 में कई परसेंट फायदा हुआ आपको, हम ऐसे पूछते हैं? हमको 90% फायदा हो गया। 90% फायदा हो गया। पहले आप कोई काम नहीं कर पाते? नहीं कर पाते थे, सब बच्चे करते थे। आप खुद कर रही हैं? कर रहे हैं। भूत प्रेत ये अगर विकलांग है या अपंग है तो आपको भी वैसे ही बना देगा। अगर दारूबाज है तो आपको दारू भी पिलवा सकता है, ऐसा भी वीडियो एक हमने नेट पे बना के डाला है। ठीक है, आराम है पक्का? आराम है, एकदम आराम। तो यानी कितने बाबी बाबाओं को गिनती में दिखाए होंगे? बहुत दिखाए, गिनती कितना करें? मतलब 10-20? हाँ 10-20 से ऊपर हो गए, कम नहीं हुआ। यहाँ लगभग आपका पैसा कितना खर्चा हुआ? वही 8-9 हज़ार लगभग हुआ। फोन पे आता है तो भी उसमें भी मैं बोलता हूँ लगभग 8-9 हज़ार रुपया आपका खर्च हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक हो गया तो फिर मेरे पास 6 महीने बाद आ गया। तो भैया 6 महीने बाद अगर फिर आपको कोई कर देता है तो फिर आ सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि कोई जो करने वाला है कमीने लोग ना करें, तो आप आजीवन ठीक रहो। अब मेरे ख्याल से ये कोई किया नहीं है, एक जो निकला है ना ये कोई किया नहीं है। ये आने जाने में भी डर जाता है आदमी, तो ये भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। अगर अंदर भी होता तो कोई करके फिर खिला दिया। तो कोई का भी खाना दाना से भी बचें, परहेज करें। ठीक है, आपको क्या फ़ायदा हुआ मैडम? पैर में दर्द था। कितने साल से? अरे 5-6 साल। 5-6 साल से। तो डॉक्टर वॉक्टर को आपने दिखाया? क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दवा दे रहे थे, दर्द कम हो जाता फिर वैसे ही। अच्छा, कितने महीने दवा चलाते थे? अरे 2-3 महीने। तो फिर ठीक कैसे हुआ? अब ठीक नहीं हुआ, यहीं से थोड़ा दर्द मध्यम हुआ। यहाँ से दर्द मध्यम हुआ यानी कम हुआ, कई परसेंट? अरे 100 में 90% फायदा हुआ। आज आपका भूत मरेगा कितना? 5 भूत मारने हैं आपके अभी। तो 90 से अब 10% जो बचा है वो भी आपका। लगभग कितना पैसा खर्चा हुआ? यहाँ 8-9 हज़ार रुपया फूल ठीक कराने में लगभग लगता है। लोग पूछते हैं अरे उस पे तो 300 लिखा हुआ है, एक भूत का एक जड़ी बूटी 300, आप जो टोटल कर लो। ठीक है, चलो। ये वीडियो बनाने का मकसद है कर भला सो हो भला। आप जैसा परेशानी किसी को होगा वो दूसरा वीडियो देखेगा तो वो उसका भी भला होगा। पानी जो मिला है आपके घर पे है, आजीवन चलेगा। वीडियो में बोलता रहता हूँ वो किसी के काम आ सकता है। आप जितना भी पियो दूसरे को दे सकते हो, तीसरे को दे सकते हो। खराब खंडित कभी नहीं होता है। मुल्ला पंडित लोग क्या कहते हैं, ये ऐसा में खंडित हो गया, नहीं खंडित होता है पानी, ये कभी आजीवन चलता है। अब वहाँ कुरान शरीफ भी रखी हुई है तो वो क्यों नहीं खंडित होती है? रामायण गीता रखी हुई है क्यों नहीं खंडित होती है? वो बोलते हैं ना पंडित लोग वो लूटने के चक्कर में कि आओ हर महीने देते रहो, मंथली आ गई खराब, खंडित हो गया। अरे भैया तो फिर खंडित तो ये भी हो जाना चाहिए ना, गीता रामायण कुरान शरीफ ये भी खंडित हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाब।
सखी नगर नगर सखी टकर में तो शुक्रिया।